दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं पर यह उलझनों में उलझे रहते हैं कि वह किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या उनको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आइए सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लें, अब आपके सामने हम आ चुके हैं ये वीडियो लेकर। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में देखते हैं किस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जय दोस्तों, आज मैं आपको पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल जिसे सिल्वर फॉइल भी कहते हैं, आज मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बता रही हूँ। जय दोस्तों, पेपर प्लेट बनाने के व्यापारी तो यहाँ पर बहुत है मार्केट में, पर उसका रॉ मटेरियल यानी कि पॉलिथीन जो उसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगती है वो बनाने वाले व्यापारी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इस बिजनेस में कंपटीशन काफी कम है और ये काफी आपके लिए बेहतर मौका है इस बिजनेस को शुरू करने का। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में कैसे आपको स्टार्ट करना है, कौन सी मशीन्स लगती हैं और क्या क्या आपके यूज में आता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। जी दोस्तों, आप इसकी कहां मार्केटिंग कर सकते हैं ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताती हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं मशीन कैसे काम करती है और कौन से रॉ मटेरियल्स लगते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूं लेमिनेशन मशीन के बारे में। इसका जो यूज होता है सिल्वर पेपर बनाने के इस्तेमाल में आता है, जिसका इस्तेमाल हम पेपर प्लेट मशीन में यूज करते हैं पेपर प्लेट बनाने के लिए। जी दोस्तों, जो पेपर प्लेट बनता है वो लेमिनेशन करके बनता है। जी दोस्तों, इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है और ये मशीन कैसे काम करती है ये सब मैं आपको बताती हूँ। जी दोस्तों, इसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक तो क्राफ्ट पेपर यूज होता है और एक ये फिल्म यूज होता है। चलिए दोस्तों, जी दोस्तों, ये क्राफ्ट पेपर का रोल होता है जो पीछे लगा होता है और उसके ऊपर ये पीओपी फिल्म होता है सिल्वर कलर का, दोनों आगे धीरे धीरे जाता है और उसके बाद यहाँ पे गम लगा होता है जो कि गम सिल्वर पेपर में जाता है और आगे ये दोनों को कंबाइन करता है, लेमिनेट करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कैसे हो रहा है काम। जय दोस्तों, इस मशीन का सबसे बड़ा बेनिफिशियल काम ये है कि इसमें लेमिनेट तो होता ही होता है और साथ में कटिंग भी होती है। कटर का साइज यहाँ पे फिक्स हो जाता है, कितना आपको कट करना है हम पर डिपेंड करता है कि हमें कितने इंच का मटेरियल तैयार करना है। 22 इंच, 24 इंच और 28 इंच का मटेरियल तैयार कर सकते हैं, उसके हिसाब से इसे आगे पीछे खिसकाकर इसे एडजस्ट करना होता है। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है। जब आप इस मशीन को खरीदने आएंगे तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्राफ्ट पेपर कैसे लगाते हैं, पीओपी फिल्म कैसे लगाते हैं, गम कहाँ पे डालते हैं। इसमें गम जो यूज करते हैं इसमें आधा पानी और आधा गम यूज किया जाता है और इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद फटाफट से मशीन में डाल देते हैं। इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो सारा कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आप इनसे ले सकते हैं। तो उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के साथ कटर मशीन से कट करते हैं, जिस जिस साइड का ऑर्डर हमारे पास होता है उस हिसाब से कट करते हैं। यदि आप 24 इंच का क्राफ्ट पेपर यूज करते हैं तो 13 इंच 11 इंच का दो में कट करते हैं, तो उसके साथ आप कटर का ब्लेड एडजस्ट कर आप अपना माल तैयार कर सकते हैं। जी दोस्तों, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो हम उसे सप्लाई कर देते हैं। जी दोस्तों, इसमें रॉ मटेरियल का क्या प्राइस होता है? जी दोस्तों, क्राफ्ट पेपर जो यूज होता है वो 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक, यूपी फिल्म जो यूज होता है 210 रुपए पर केजी आता है। याद रखिए, जो इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो जिनको लेकर के आप पैसे भी बचा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मशीन को खरीदने के लिए आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं या कंपनी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पैसा पे करने के बाद मशीन आपके एड्रेस यानी कि ट्रांसपोर्ट से थ्रू भेज दिया जाता है। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब हम एक महीने का प्रॉफिट रिपोर्ट की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक आर में जो प्रोडक्शन होती है वो 200 किलो की होती है और प्रोडक्शन अगर पर डे 10 आवर्स की होती है तो 2000 केजी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मंथ की बात करें तो 2000 को यदि हम 30 से इंटू करेंगे 60,000 रुपए केजी हो चुका है। जी दोस्तों, 2 रुपए का मुनाफा होता है हमें 1 किलो में,
अगर हम प्रॉफिट वन डे की बात करें तो ऐसे हमें 4,000 रुपए का मुनाफा हो जाता है। 30 दिन की बात करें तो 1,20,000 रुपए इसका मुनाफा हमें होता है मोटा मोटा। चाहे दोस्तों अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 1,20,000 रुपए में से 30,000 अगर हम माइनस करें 90,000 रुपए हमें, इट मीन्स हमें एक महीने में कम से कम 90,000 रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा लेमिनेशन मशीन को यूज कर कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का प्रोसेस काफी आसान है। जय दोस्तों अगर हम लाइसेंस की बात करें तो इसमें 2 लाइसेंस की जरूरत होती है, और एक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और दूसरा आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जय दोस्तों मार्केटिंग के लिए आप अपने शहर में अपने गांव में प्लेट बनाने वाले हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अपने बिजनेस को अपनी कंपनी को इंडियन मार्ट पे रजिस्टर कर सकते हैं। जय दोस्तों जिनको भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अपना मशीन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस मशीन को खरीदने के लिए आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और ज्यादा बनाने की प्रेरणा मिलती है।